पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सिंह सरकार की शराब नीति को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि एमपी का मतलब मध्य प्रदेश होता था, लेकिन अब एमपी का मतलब मदिरा प्रदेश हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छे दिन की जगह गांव-गांव और घर-घर में शराब बिक रही है। अब मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं। अब तक 20,000 से ज्यादा भी घोषणाएं हो चुकी हैं। पहले जो प्रदेश कभी खुद पर गौरव महसूस करता था, अब शर्म से नीचे देखने लगा है। भाजपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा है कि विधायक मेरे संपर्क में है, लेकिन मैं स्थानीय स्तर पर चर्चा करने के बाद ही इस संबंध में फैसला लूंगा। जब हम कहते हैं एमपी से, तो कहा जाता है ये मदिरा प्रदेश है, तो एमपी का पूरा नाम मदिरा प्रदेश बन चुका है। ये इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश का। शिवराज सरकार ने जो सस्ती शराब बेचने का फैसला किया था, ये मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो शिवराज जी ने सोचा कि अच्छे दिन मैं लाता हूँ सस्ती शराब, घर घर में शराब, और इससे अच्छे दिन आ जाएंगे, ये इनका लक्ष्य था। महंगा राशन और सस्ती शराब, ये इनका मोटो है। विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आप भी मीडिया में देख रहे हैं, जगह जगह इसका विरोध हो रहा है, और पुलिस प्रशासन और पैसे से पूरी शासकीय यात्रा है, ये कोई छिपी बात नहीं है। वो तो ऑर्डर निकालते हैं कलेक्टर, इस जगह ये होगा, और 160 जगह में इस विकास यात्रा का स्थानीय विरोध हुआ। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।